एशिया कप में भारत की टीम का सफर खत्म हो चुका है, लेकिन अब T20 वर्ल्ड कप से पहले भारत की टीम को और भी दो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज खेलनी है, जिसमें से सबसे पहली एशिया कप के स्ट्रेट आफ्टर हमें सीरीज देखने को मिलने वाली है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में सीरीज। दरअसल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये सीरीज हमें सिर्फ 3 T20 मुकाबलों की होते हुए देखने को मिलेगी। तीनों ही T20 मुकाबले हम लोगों को 20 सितंबर, 23 सितंबर और इसके साथ ही 25 सितंबर को स्टार्ट होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। अब अगर बारी बारी से एक एक मुकाबले की बात की जाए तो सबसे पहला T20 मुकाबला 20 सितंबर को हम लोगों को शाम को 7:30 बजे से स्टार्ट होते हुए देखने को मिलेगा। यह मुकाबला खेला जाएगा पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि IS बिंद्रा स्टेडियम मोहाली में। इसके बाद 23 सितंबर को दोनों ही टीमों के बीच में दूसरा T20 मुकाबला विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि नागपुर में शाम को 7:30 बजे से खेला जाएगा। और इसके बाद तीसरा और फाइनल मुकाबला 25 सितंबर को राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में हैदराबाद में हम लोगों को शाम को 7:30 बजे से स्टार्ट होते हुए देखने को मिलेगा। अगर बात की जाए इसके लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स की तो ऑस्ट्रेलिया में आप लोगों को फॉक्स स्पोर्ट्स और उसके साथ ही चैनल 7 इसका लाइव टेलीकास्ट करते हुए नजर आएंगे। अगर भारत की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच की सीरीज के जितने भी टेलीकास्टिंग के राइट्स हैं वो स्टार स्पोर्ट्स चैनल के पास हैं, जिसका मतलब है कि आप लोग इसके मुकाबलों को लाइव देख पाएंगे स्टार स्पोर्ट्स के ऊपर। और इसके साथ ही अगर आप लोग मोबाइल या फिर लैपटॉप में मुकाबले देखना चाहते हैं तो फिर आप लोगों को हॉटस्टार एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा और वहां पर आप लोग इन मुकाबलों को लाइव देख पाएंगे। कमेंट करके आप लोग बताइए आप लोगों के हिसाब से कौन जीतेगा भारत ऑस्ट्रेलिया की सीरीज। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब।